हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी नोट्स पीजी यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले मैं आपको फिजिक्स का सेट सी प्रोवाइड करा चुका हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का सेट ए। तो जिन भी विद्यार्थियों ने फिजिक्स का सेट सी नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ भी फुल मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। पीडीएफ में पासवर्ड लगा है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा, फुल पीडीएफ आपको दी जाएगी। तो चलिए फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर एक का आंसर दिया गया है फिजिक्स के सेट ए का, तो आप अपना मिलान कर लें। इसके अलावा सेट बी वाले विद्यार्थी भी इसको देख सकते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन सेम है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर एक दिया गया है, विशुद्ध प्रतिरोधक युक्त एसी परिपथ में वोल्टता एवं धारा के बीच 0 डिग्री का कलांतर होता है। तो क्वेश्चन नंबर एक में आपको ये लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, किसी संधि डायोड को अग्र अभिगति में रखने के लिए डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक सिरे तथा डायोड के एन क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे में जोड़ा जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक क्या होता है। SI मात्रक होता है कूलम मीटर सेंटीमीटर, तो इसको आपको लिख देना है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका चौथा दिया था, तो चौथे में आपको लिखना है, यदि प्रकाश स्रोत स्लिट के आकार का हो तो बेलनाकार तरंगाग्र बनता है। आपका पाँचवा दिया गया है, तो पाँचवें क्वेश्चन में आपको लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, तो यही डी ब्लागली का तरंग समीकरण है, तो ये आपको पाँचवें में लिखना है। नेक्स्ट आपका छठवां क्वेश्चन, तो छठवें में आपको व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक का मैंने आपको दिखा दिया है, तो आप इसको लिख लीजिए। वीडियो रोक कर लिख सकते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड आपको करा दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ से लेके मैंने इसको यहाँ तक कवर कर लिया है, तो यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। चलिए नीचे देखते हैं हम सातवां क्वेश्चन, तो सातवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सातवें क्वेश्चन में आपको कोणीय वर्ग विक्षेपण लिखना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके हमने यहाँ तक कवर कर लिया है, तो यहाँ तक का आप लिख लीजिए। इसी के आगे नेक्स्ट आपका आठवां क्वेश्चन दिया गया था, तो चलिए आठवां को हम देखते हैं। सिग्नलों से लेके आपको सकता है तक पूरा लिख लेना है आठवां क्वेश्चन, देख सकते हैं वे आठवां क्वेश्चन दिया गया था। आपका नौवां क्वेश्चन, तो नौवां क्वेश्चन में आपको विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखना था, तो ये दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कुछ धुंधला दिख रहा होगा आपको, तो आप अपनी कापी से भी लिख सकते हैं इसको, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। इसी के आगे नेक्स्ट आपका दसवां क्वेश्चन दिया गया था, तो दसवें क्वेश्चन में भी आपको व्यंजक व्युत्पन्न करना था, तो दिया है इसे लेके यहाँ पे मैं मीटर तक कवर कर लिया है। इसी के आगे आपको अतः विद्युत प्रवणता का मान 0.2 वोल्ट मीटर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपका ग्यारहवां क्वेश्चन दिया गया था, तो ग्यारहवां आप देख सकते हैं विचलन कोण लिखना था, तो विचलन कोण की परिभाषा ये दी हुई है, इसका सूत्र होता है, तो इसके सूत्र आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना है। और इसकी निर्भरता लिखनी थी, तो दो निर्भरता दी हुई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ तक आपको निर्भरता लिख दी नहीं है। इसी के आगे आपको गेट से क्वेश्चन आए थे, तो आप देख सकते हैं गेट बना दिया गया है, इसमें नॉर गेट का चित्र बनाना था, तो नॉर गेट का चित्र आपके लिए बना दिया गया है। आप देख सकते हैं व्यंजक दिया गया है, तो ये आपको लिख देना है। इसी के साथ इसकी सत्यता सारणी भी बनानी थी, तो आप देख सकते हैं सत्यता सारणी भी बना दी गई है, तो इसको पूरा आपको लिख लेना है। और यहाँ पे आपको ये सूत्र पूरा हल सहित दिया गया है, तो ये पूरा हल करना है आपको, तो आप देख सकते हैं बारम सारणी से लेके यहाँ पे मैंने यहाँ तक कवर कर लिया, तो यहाँ तक का आप लिख लीजिए। और इसी के आगे नेक्स्ट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कवर कर लिया है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं लेके यहाँ। इसी के आगे आपको और भी लिखना है, तो यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट आपका चौदहवां क्वेश्चन दिया गया था, तो यहाँ पे आपको नाभिकीय बल से लेके मैंने पहला तक कवर कर लिया है, तो पहला तक आप अभी लिख लीजिए। इसके आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद आपका दूसरा तीसरा दिया गया है, तो इसको भी आपको लिख लेना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये इस सीरीज का पार्ट वन था। अब चलिए हम देखते हैं पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करेंगे, जो ओपन कर लेना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन में जाना है और टेलीग्राम सर्च कर लेना है, लोड कर लेना है, फिर इसको आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, ऊपर सर्च ऑप्शन दिखेगा, आप देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना है, और स्टडी नोट्स पीजे ये दिख रहा होगा आपको, स्टडी नोट्स पीजे इसको आपको सर्च करना है। इसको जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको ऊपर दिख जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं 2600 से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। इसको ज्वाइन करने के बाद संपूर्ण पीडीएफ आपको इसी में मिल जाएगी।